सबसे बड़ा घातक चीज है, इसीलिए उससे अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्म का सर्वकर्म संन्यास विद्वत संन्यास है, और सबके पास की बात नहीं, और विविधुषु संन्यास यही खतरे का काम है, क्योंकि यहां आपको ज्ञान अवरुद्ध कर्म को करना है और ज्ञान विरुद्ध कर्मों को त्यागना। अब यही तो विवेक आपको करनी है ना, कौन सा कर्म मेरे ज्ञान में बाधक है, इतना ही कैसे करोगे आप? ये विवेक कहां? ये अत्याज्य कर्म को भी त्याग दिए तो पाप हो गया है ना, क्योंकि आदमी के मन इतने चालाक है, स्व के लिए अनुकूल हो, स्व सुख प्रदायक हो, सरल हो, शॉर्टकट मार्ग ढूंढता है ना, शॉर्टकट, हर चीज में शॉर्टकट चाहिए। मन इतना चालाक है, आपको ये कह सकता है कठिन कर्म है लेकिन ज्ञान के अनुकूल है, अरे बहुत टाइम लग रहा है, बड़ी परेशानी है, वहां जाओ तुमसे 12 साल पढ़ना पड़ता है, यहाँ ठीक है 2 साल में हो जाएगा, चक्कर फंसा देगा वो, अकाल फंसो गया, भरोसा नहीं मन का। इसलिए ये विविधेशु संन्यास है ना, बहुत खतरनाक काम, निर्णय नहीं कर पाओगे ज्ञान अनुकूल कर्म कौन सा है, ज्ञान प्रतिकूल कर्म कौन सा है, ये निर्णय ही करना कठिन है। पहले निर्णय करो, फिर ज्ञान प्रतिकूल कर्म को त्यागना और ज्ञान अनुकूल कर्म का आचरण करना, ये विविधेशु संन्यास है। ये कठिन होने से भगवान ने कहा था भाई इससे अच्छा है भला तो कर्मयोग करते रहो, आपने परिपक्व अवस्था हो जाएगा ना, आपने छूट जाएगी वो सारी। जैसे ना आपको दांत उखाड़ने की जरूरत है, टाइम आएगा अपने आप सब गिरते जाते ही है, गिरेंगे नहीं क्या? तो उसी प्रकार इनको भी अपने आप छूटने दो ना, काहे को परेशान परेशान छोड़ने के चक्कर पड़ रहे हो, अपने आप छूट जाने दो इन्हें, छोड़ने के चक्कर मत पड़ो, जितनी हो सके तब तक चना चबाते रहो। कहने का मतलब क्यों निकालो दांत को, चना चबाओ ना आनंद से जब तक है। इसलिए जब तक अहमता ममता की दम है तब तक निष्काम कर्मियों करते रहो, छोड़ो मत। यही उपदेश यहाँ देने के लिए कह रहे हैं कि भाई संभल के रहना, क्योंकि वो परमात्मा निर्गुण निराकार है, यद्यपि फिर भी वो तुम्हारे अंदर अज्ञान काल में भीतर बैठा हुआ है, वही सकल श्रेय कर्मों का फल प्रदान करने वाला है। यतो वस्य भाव स्वभाव हितस्य, जिसलिए क्योंकि इसी के भाव स्वभाव भाव ने भावानाम ब्राह्मणानाम स्वभाव जो था यजन याजनम अध्ययन अध्यापन धानादानम इत्यादि इत्यादि दया शील क्षमा इत्यादि जो स्वभाव बताई गई है, उस सारे स्वभाव भावानाम ब्राह्मणानाम स्वभाव स्वभाव इत्या शमदमादि विशेषण विहितस्य सदा शिवस्य कर्मणा, विहित उन शिव कर्मों का भी प्रसिद्धि है इस लोक में, वह भी जिस परमात्मा के कारण से प्रवृत्त है। यथा न यथ प्रवर्तक, जिस प्रवर्तक भगवान के कारण से सारा चीज है वही वो ब्रह्म है। देहे स्वधात्विक गमे अनविशीर्यमाणि, यदि कहोगे भाई ये सब तो हैं लेकिन जीव तो मर ही जाएगा तो क्या करना है, हम तो मरने वाले हैं, हम तो अजर अमर नहीं, ठीक है ब्रह्म अजर अमर है कोई बात नहीं, उसको जानने से क्या लाभ, हम तो मरेंगे। कहते नहीं नहीं तुम भी नहीं मरने वाले हो, चिंता मत करो। क्यों? कहते देहे स्वधातु विगमे, देह का स्व धातु का अनेक अर्थ, दो अर्थ किया है स्वधातु का, एक स्वधातु का अर्थ कर दिया इन्होंने स्व आरंभक धातु नाम भूतानाम पंचभूत इनको ले लिया, उनका विगमे वियोगे सति तदनु विशीर्यमाणे अपि देह तत्रस्थम व्योमैव, शरीर का मर जाने के बावजूद भी शरीरस्थ आकाश तो इसके अंदर दिखता कि नहीं दिखता, उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर जो विद्वान आज है वो आज ही रहेगा, जीवात्मा जीवित है। व्योमैव तत्र पुरुषो, उस शरीर के अंदर जो आत्म पुरुष था न विशीर्यते, क्यों वह अज, वो भी ब्रह्म ही है आज है, ये अर्थ किया है। अयद्वा भावानम ने महदादिना, भावानम ने पहले भावानम का ब्राह्मण नाम लिया था, अभावानम ने महदादी नाम तत्वानाम स्वभाव है ना, परिणाम स्वभाव है ना उनका, परिणाम स्वभाव से नाश तो होंगे, जो विक्रियावान है वो नाशवान है, परिणाम विहित से सदा कार्य से प्रसिद्धि, सत्कार्यवाद की जो प्रसिद्धि होने के कारण से ये आपको मानना ही पड़ेगा ये सब नाशवान है, ये जिस नाशवान की जिस अविनाशी से प्रवृत्त हुआ है
वही परमात्मा विभू हमारे सकल सत्कर्मों का प्रवर्तक है और सकल कर्मों का फल प्रदाता भी है। प्रवर्तक भी वही है, फल प्रदाता भी वही है। इदं भागवतम नाम नहीं सोयं ते वितस्तात भगवान विषभावनः समासेन हरेर नान्यद अन्यस्मासु सच्चयत। स्वयं त्यविता हे ताता हे नारद जी मैं तुम्हारे लिए कह दिया। क्या कहा आपने? भगवान विश्वभावन समासेन, भगवान जो है विश्वभावन का स्वरूप को संक्षेप में मैंने तुमको कह दिया है। हरे हे नान्यत अन्यस्मात सच्चात यत, जो कि नान्यत अन्यस्मात अन्यस्मात सच्चयत, अन्य जो सदसद हैं उनसे ये अलग कभी नहीं हो सकता है। ते समासन संक्षेपेण बीता जो अध्याय अध्याय त्रय ब्रह्म नारद संवाद यहाँ तीन अध्यायों में था, उन अध्याय त्रय का सार संक्षेप कथन कर दे हैं। हम कह दिया, हमने संक्षेप में तुमको कह दिया है। सदसत मैंने कार्य कारणम च हरेर अन्यत न भवती, ये जो कार्य कारण भाव जगत सदसत तुम देख रहे हो ये हरि से अन्यत न, अन्यस्माद हरे अन्यत न भवती, ये अन्य भूता हरि जो है उससे अन्य सदात्मक कार्य जगत नहीं है। माने हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु इति यस्य मति परमार्थ गति सनरो भवसागरम उद्धरति। ये बात भगवान ने तीन अध्याय में ब्रह्मा जी ने संक्षेप में कह दिया। हरि ही जगत है, जगत ही हरि है, हरि से जगत रूप शरीर भिन्न नहीं है, हरि तो जगतो नहीं भिन्न। ऐसी मति जिसकी है वही उसी को परमार्थ गति होती है और वही नर इस भव सागर से उद्धार प्राप्त करता है। सनरो भव सागरम उद्धरति, ये श्लोक है। हरिदेव जगत जगदेव हरि ही, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनुहु। इति यस्य मति परमार्थ गति ही, इति यस्य मति ही परमार्थ गति ही सनरो भव सागरम उद्धरति। इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु। यह मैं तुमको भागवत नाम का भगवता उदितम, मैं अपने से कपोल कल्पना करके नहीं कह रहा हूँ, स्वयं भगवान के द्वारा कथित था मेरे को, वही अब तुमको मैंने सुना दिया है। यन्मे भगवता उदितम, जिसको मुझे मेरे लिए भगवान ने कहा था उसी को मैंने तुमको कहा, लेकिन तुमको पूरा नहीं कहा है। अयं संग्रह विभूतीनाम, ये तो केवल मैंने उस भगवान की विभूतियों का संक्षेप में संग्रह करके बता दिया है। तम एतत् विपुली करो, इसी को आप तुम विस्तार करो, सर्वत्र प्रचार करो और विस्तार करो इस चीज का। यता हरो भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्य खिलाधारे इति संकल्प्य वर्णयो। लेकिन विस्तार करते हो ध्यान रखना, किसी प्रकार के नाम कमाने के लिए, यश कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, अन्य किसी भी प्रकार की लोभ लालच से प्रचार नहीं करना। संकल्प क्या करना है तुमको? सर्वात्मनि अखिलाधारे नृणाम भक्तिर भविष्यति इति संकल्प। हरौ यथा हरौ भगवती नृणाम भक्ति भविष्यति, सर्वात्मनि अखिलाधारे उसी भगवती का विशेषण है। सर्वात्मनि अखिलाधारे हरौ भगवती यथा नृणाम भक्ति भविष्यति तथा संकल्प्य वर्णयो करी। अर्थात स्वस्वार्थ को परित्याग करके मनुष्य सामान्य में भगवान के प्रति भक्ति के जागरण करने के लिए आवश्यक कथा का वर्णन आपको करना है। मायां वर्णयतु मुश्रीश्वरस्यानुमोदितः श्रृण्वद श्रद्धया नित्यं मये आत्मानमुह्यति। लाभ क्या होगा माया को सुनने के, माया का वर्णन करके क्या लाभ? नारद जी कह सकते अरे माया है ना अग्र में सारी विभूतियां, इनका मैं वर्णन करूं, इनका विस्तार करके समझाऊं दुनिया को, क्या लाभ होगा उससे?
ये मिथ्याभूत माया का वर्णन करके मेरे को भी कोई लाभ नहीं, मिथ्या रूप माया का वर्णन सुन करके दुनिया को क्या लाभ होगा। आप करे भक्ति बढ़े, भक्ति बढ़ेगी माया से, माया का वर्णन करके कहते हाँ होगा। माया वर्णय तो अमशीश्वरस्य, इस ईश्वर के माया का वर्णन करते हुए अनुमोदेता वर्णन करने वालों का अनुमोदन करते हुए श्रद्धया श्रणु और श्रद्धा पूर्वक सुनता हुआ जो व्यक्ति रहेगा, जो ऐसा नित्यम वर्णयता नित्यम अनुमोदता नित्यम शृण्वता, तीनों में नित्यम और श्रद्धा को जोड़ लेना, नित्यम श्रद्धया वर्णयता नित्यम श्रद्धया अनुमोदता नित्यम श्रद्धया शृण्वता, तारस पुरुषम प्रति आत्मा माया नमुयते, वह जीव को माया से वह जीव को भी मोहित नहीं हो सकता, ये लाभ है। इति श्री भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंधे ब्रह्मनार संवाद सप्तमो अध्याय। करने लगा तो उसके अंदर जिज्ञासा की उत्पत्ति होती है, जब ब्रह्म तत्व के सामान्य ज्ञान हो गया उसका विशेष स्वरूप ज्ञान करने के लिए जिज्ञासा उत्पत्ति होती। इस अध्याय इसलिए प्रश्नाध्याय भी कहते हैं इसको, जिज्ञासा अध्याय अथवा प्रश्नाध्याय भी कहा जाता है। इसमें परिचित दुनिया प्रश्न डाल देंगे जिसके अंदर पूरी भागवत बोलनी पड़ेगी, वही बात छोड़ता नहीं। इतनी बात पूछा और सुखदेव जी क्या करें, पूरी विस्तार से कहेंगे। कोई आरंभ करता है कि जब नारद ब्रह्म के संवाद को सुन लिया, सुखदेव के मुख से परीक्षित कहता है कि नारद जी ने क्या किया ये बताइए। राजो वाचो ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाज्ञान गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः। नारदो देवदर्शनः, जो देव का उस ब्रह्म का दर्शन को पाया हुआ वह नारद जी, हे ब्रह्मन् हे शुकदेव महाराज आप बताइए, ब्रह्मणा चोदितः ब्रह्म से प्रेरित हुआ नारद ने उस अगुण का गुणों का आख्यान करने में प्रेरित हुआ वह नारद ने किस किस के लिए किस किस प्रकार से कथन किया वो हमें बताइए। प्रचार करने का आदेश तो प्रचार किया तो कहीं ना कहीं जाके बोला तो होगा ना, तो नारद जी ने किस किस को उपदेश दिया भागवत का कथा सुनाया वो बताइए। एतद् वेदितुम् इच्छामि तत्त्वं वेद विदामर हरेर अद्भुत वीर्यस्य कथा लोक सुमंगलाः, क्योंकि हरेर अद्भुत वीर्यस्य हरे है लोक सुमंगला कथाः तत्त्वं वेदितुम् इच्छामि, एतत् तत्त्वं वेदितुम् इच्छामि, उस तत्व को मैं जानना चाहता हूँ जो अद्भुत वीर्य वाला अद्भुत सामर्थ्य वाला जो हरि है उनके वह लोगों को मंगल प्रदान कल्याण प्रदान करने वाले मोक्ष प्रदान करने वाली कथाओं को मैं सुनना जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप वेदों को जानने वालों में से सर्वश्रेष्ठ है। वेद विदाम वर कथयस्व महाभाग यथाहम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निसंगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। हे महाभाग हे महामधि शुभदेव महाराज, जिस प्रकार यथा अहम अखिलात्मनि कृष्णे मन निवेश्य निसंग मन निवेश्य अखिलात्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में ही निसंग मन को मैं प्रवेश कर डालू, उस प्रकार की कथा को आप कथन करें कथयस्व, ताकि मैं कलेवर को निसंकुचित होकर त्याग कर सकूं, त्यक्षे त्याग करूं। श्रृण्वद श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेषितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान विशते हृदि। क्योंकि जैसे ब्रह्मा जी नारद जी को कहा था नित्य श्रद्धा पूर्वक सुनो, नित्य श्रद्धा पूर्वक कहो सुनाओ अनुमोदन भी करो कहा था ना, उसी का संक्षेप ले लिया और कहते हैं स्वचेष्टितम, स्व माने ब्रह्म के द्वारा विचेष्टित
कथा को नित्यम श्रद्धया शृणुतः नित्यम श्रद्धया गृणतश्च, सुनते हुए कथन करते हुए लोगों का हृदय में हृदय नाति दीर्घेन कालेन भगवान विशते, उनके हृदय में ज्यादा देर नहीं लगाता तत्काल ही भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर जाता है। पहले प्रवेश थे, प्रवेश क्या करेगा है? पहले से ही तो है ही है, प्रवेश क्या करेगा? भैया अज्ञान दूर होना ही या प्रवेश होना और कुछ नहीं है। पहले अज्ञान की वजह से ही प्रवेश का कथन है और अज्ञान का दूर होना ही प्रवेश करने का कथन है, दोनों ही अज्ञान कर रही है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानं भाव सरोरुहं धुनोति शमदं कृष्ण शरीरस्य यथा शरद। जैसे वर्षा ऋतु में मटमैला हुई गंगा जी को शरद ऋतु साफ कर देता है, शरद ऋतु के जल एकदम स्वच्छ होता है और वर्षा ऋतु में एकदम मलिन, तो मलिन जल को जिस प्रकार से शरद ऋतु स्वच्छ कर देता है ठीक उसी प्रकार से भाव रूहोरहम भाव सरोरहम हृदय रूपी कमल में स्वानाम अपने भक्तों के हृदय रूपी कमल में कर्ण रंध्रेण प्रविष्ट कर्ण रंध्र के द्वारा प्रवेश किया वह कृष्ण शमलम धुनोति संपूर्ण मल को धो देते हैं साफ। अन्य जितने भी तप दान पूजा पाठ व्रत वगैरह करोगे ना उनसे तो क्वचित पाप दूर हो सकते हैं। जैसे घड़ा पानी लाए गंगा जी से, उसमें निर्मली आपने डाल दिया, उस घड़े का पानी साफ हुआ लेकिन पूरी गंगा जी साफ नहीं हुई। तो अन्य अन्य साधनों के माध्यम से आप जो है किंचित मात्रावच्छिन्न जल को शुद्धिकरण कर सकते हैं। पूर्ण दिया जल मात्र की शुद्धि आवत है, सब कुछ को साफ कौन कर सकता है? एकमात्र शरद ऋतु ही करता है। देश भर की सकल नदियों का जल, सकल तालाबों का जल सर्वत्र शुद्धिकरण हो जाता है। उसी प्रकार से उस भगवान जो हृदय में प्रवेश कर जाता है, अनंत अनंत जन्मों के द्वारा क्रिए किए हुए पापमय कर्म जितने में मल रूपेण विद्यमान है उन सब को साफ कर देता है। इसे दृष्टांत हृदय यथा शरत धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचती मुक्त सर्व परिक्लेश पांत स्वशरणम यथा। भटक भटक करके थका हुआ जो आदमी जब अपना घर को पहुंच जाता है फिर कभी उसको छोड़ता नहीं, वहीं खूब बढ़िया ढंग से विश्राम करता है। कहीं गया और आते आते रास्ता भूल गया, बहुत भटका, परेशान हो गया, दोबारा वह हिम्मत नहीं करेगा कि हम अपने मन मर्ज कहीं चले जाए, करेगा क्या? वो कहेगा भाई कोई साथ तो तभी चलेगा, ये कहेगा एक बार तो हो चुके हैं इसके भटक करके आ चुके, अब फिर जाने से सोचेगा आदमी। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है, तो एक बार जो भगवान कृष्ण को पा लिया वो दोबारा जगत में आने के लिए बहुत सोचेगा कि जाना उचित है या नहीं, क्योंकि 84 लाख योनि भटक भटक करके बड़ा मुश्किल से भगवान को पाया और फिर उसको खोलेगा क्या, छोड़ देगा? कोई कभी नहीं छोड़ सकता। वही कह रहे हैं धौत आत्मा पुरुष, जो शुद्ध अंतकरण वाला निर्मल अंतकरण वाला पुरुष जो एक बार कृष्ण चरण कमल को प्राप्त कर लिया, कृष्ण पाद मूलम प्राप्त करने के बाद न मुंचती कभी उसको छोड़ेगा है। क्यों? मुक्त सर्व परिक्लेश, पुरुष का विशेषण है मुक्त सर्व परिक्लेश, मुक्त सर्वे राग द्वेष आदि परिक्लेश ये नवा स, जिसके द्वारा सकल राग द्वेष आदि जो क्लेश है जो परित पीड़ित करने वाले उनसे मुक्त हो चुका है, ऐसा शुद्ध अंतकरण वाला जो पुरुष है वह जो कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त कर लिया वह उससे कभी छोड़ना नहीं चाहेगा, नहीं छोड़ता। ठीक उसी प्रकार दृष्टांत दिया था पांत स्वशरण स्वगृह यदा तुम मतो ब्रह्मन देहारंभस्य धातु भी यदृच्छया हेतुना भवंतो जानते यथा। पहले उस कृष्ण कथा के महिमा का वर्णन कर दिया, आप प्रश्नों को डालना शुरू करते, एक प्रश्न के बाद क्यों सुनना चाहते हो कथा उसकी हेतु दे दी,
तुम तो मरने जा रहे हो, तेरा तो दिल में छटपटा रहा होगा, घबरा रहा होगा, परेशान होगा, और फिर ऊपर से कथा सुनने की बड़ी बात कर रहे हो। ऐसे कोई तर्क करें, उसके लिए उसने जवाब दे दिया, भाई देखो कथा इसलिए मैं इस समय विशेष रूप से सुनना चाहूंगा, बोले ये मरण अवस्था में सुनने के लिए और ज्यादा आतुर होऊंगा, व्याकुल नहीं होऊंगा, मेरे प्राण मौत के भय से छटपटाएंगे नहीं जब भगवान के अमृत कथा रूपी अमृत को मैं पान करने वाला हूं। इसीलिए क्योंकि मैं चित्र से जानता हूं, जब भगवान इस हृदय के अंदर यदि कथा के माध्यम से कर्ण रंध्र के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं, मेरा अंतकरण का सारा मल दूर हो जाएगा, अपने मैं अभय पद को प्राप्त कर जाऊंगा। और अनंत जन्मों से भटका हुआ मैं यदि कथा रूपी आश्रय मिल जाए और तद्वारा यदि भगवान के चरण कमल का आश्रय मेरे को प्राप्त हो जाता है, तो मैं कभी उसको छोड़ने वाला नहीं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं उन सकल कथाओं को जो नारद जी ने विस्तार से ब्रह्माचार्य कहा हुआ, जो संक्षेप में कहा हुआ उसको, जो विस्तार से जिन जिन लोगों को कहा है वो सब मुझे सुनाइए। एक प्रश्न हुआ ये, फिर दूसरे में अब अनेक को प्रश्न इकट्ठा डालते जाएगा। कारण तो दे दिया क्यों मैं सुनना चाहता हूँ और क्या क्या सुनना चाहता हूँ वो भी अब बताएगा। क्योंकि संक्षेप में जब ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाए तो तीन अध्यायों में ये हमें मालूम हुआ था ये ब्रह्म अगुण है। यह भी ईश्वर में कथा गुणस्य गुणाख्यान है पहला श्लोक, उसी बात को कह रहा है। वो निरुपाधिक ब्रह्म सोपाधिक कैसे हो गए बताइए पहले आप, ये जो निरुपाधिक ब्रह्म था ये उपाधि के चक्कर में कैसे आ गया, संबंध कैसे हो गया। अधातु मतो यत, जो अधातु मानता, धातु माने पंचभूत, पंचभूतात्मक नहीं था जो, अस्य अधातुमतः धातु विद्यारंभ कथम, धातुओं के द्वारा माने पंचभूतों के द्वारा उसका शरीर आरंभ कैसे हो गया भाई। हे ब्राह्मण क्या आप जरूर जानते होंगे, अपनी मर्जी से उसने कर लिया क्या, यदृच्छया हेतु नावा, या कर्म ही कोई कारण दे, कर्म इति कर्म विदो काल इति काल विदो, अनेक हेतु मांडवी कारिका में आप पढ़ेंगे ये जगत उत्पत्ति का कारण क्या है, अनेकों लोग अनेकों व्याख्यान करते हैं, है ज्योतिर जोर विदो पाक पाक विदो, ऐसे बहुत सारे श्लोक बना डाला उन्होंने मांडवी कारिका। इसलिए आप जरूर कारण जानते होंगे, सही सही कारण क्या, भले कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, आप जरूर जानते होंगे असली कारण, वो आप बताइए। यदृच्छया हेतु नावा भवंतो जानते यथा, आप जिस प्रकार जानते हैं उसी प्रकार आप हमें समझाइए। आसीत यदुत्तरा पद्मं लोक संस्थान लक्षण या वामयं वही पुरुष यत्ताव वही पृथक। और दूसरी बात, वो ब्रह्मा जी जो नारद जी को बोल रहे थे कहां बैठ के बोल रहे थे, नाभि कमल निकला हुआ था है ना, कहा नारायण से, वो कैसे निकलेगा कमल, कहीं किसके पेट के नाभि से कमल निकलेगा है? और कमल भी इस प्रकार का कि प्रत्येक अवयव एक लोक है ना, अविराट रूप धारण कर गया, और उसका पैर में ये था, या अंगूठा में ये था, टकना में ये था, कुंडली में ये था, घुटना में वो था, अरे ये अवयव ऐसा हो गया परमात्मा, ये बताइए। अब इतनी अवयव वाला यत्ता भी आ गई अवयवों के द्वारा, वही कह रहा है, कहते आसीद यत उदरात पद्मम, उदर से जो कमल निकला लोक संस्थान लक्षणम, कैसा था वो, लोकात्मक था, 14 भुवनात्मक एक नाभि कमल निकल पड़ा था, लोका एव संस्थान स्वरूपा, लोक ये जो लोक है, लोका नाम संस्थान रचना, तदेव लक्षण स्वरूपम यस्य तत् त्रैलोक्यात्मकं पद्मं यस्य उदरादासी, जिस परमात्मा को उदर से निकला था वह ईश्वर, यावान अयम वही पुरुष, अयम पुरुष यावान कितना लंबा चौड़ा है, यत्ता अवय वही पृथक, जो कि यत्ता युक्त ही यत्ता युक्त, परिमित है ना, ये सब प्रत्येक लोक का परिमाण निश्चित है ना,
उन लोकों के परिमाण के द्वारा इधर से परमात्मा के परिमाण निश्चित हो ही गया। यत्ता अवयव ही आपको पता है, एक जो है ना 10 सेंटीमीटर का है तो दूसरा 2 इंच का है, तो 10 इंच का है, कोई 12 इंच का है, सब मिला कितना हुआ? आप गिना सकते हो कि नहीं गिना सकते? मिला करके बता दोगे इतना फुट हो गया। उसी प्रकार से ये लोक जो अवयव है 14 लोक, इनके परिमाण निश्चित है। इन सावय परिमाण वाले न सावय वस्तुओं के द्वारा वो भी आह्वान वाला हो गया, वो भी एक परिमाण विशेष वाला हो गया परमात्मा। ये कैसा हो गया? एक तरह से निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल निरवय कार्य कारण भाव रहित अजस्र इत्यादि अनेकों शब्दों के द्वारा पहले आपने कहा, और अब बाद में तो ये भी सब बातें कही गई है, तो ये कैसे हुआ ये बताइए। इन्हीं सारे प्रश्नों का क्रियापद 24वें श्लोक में मिलेगा, बीच में कहीं नहीं है। 24वें श्लोक में आप देखेंगे ना, तत्व तो अर्रसी उदाहर्तुम, उसके साथ जुड़ेगा सारा की चीज। इन सभी के तत्वतः उदाहर्तुम अर्रस, तत्वतः कथन करने आप योग्य हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। ऐसे उसके साथ जुड़ना है ये सारे प्रश्न। इसलिए क्यों प्रश्न आ रहा है? कोई क्रियापद ना आप बताइए, ऐसा कोई शब्द नहीं आ रहा, पहले तो आया था, अब यहाँ आगे नहीं रहा है। पहले आया फिर बाद में 24वें श्लोक में आ रहा है। तावान आसौ इति प्रोक्त संस्था अवयवान निव, ये ना, यावान अयम वै पुरुष यत् अवय पृथक तावान असु इति प्रोक्त संस्था अवयवान इव। जैसे कोई भी एक सावय संस्थान है, वस्तु विशेष घटपट आदि, वे अवयवों की जो है नाप के आधार पर सावयवी का भी, उस अवयवी का भी नाप जैसे निश्चित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से तावन असोविति प्रोक्तः उसे यह ब्रह्म भी उतना ही लंबा चौड़ा है ऐसा कहा गया था। अज सृजति भूतानि भूतात्मा यद अनुग्रहात् ददृशे येन तद् रूपम् नाभि पद्म समुद्भवः। अज सृजति भूतानि, एक तरफ आपने कहा अज ब्रह्मा, भूताना ये वेष्टि उपाधि वाले भूतों को भूताना उपाधि ना आत्मा नियंता इति भूतात्मा, सकल भूतों का वेष्टि भूता जो उपाधियां हैं इन सकल भूतों का भी वो आत्मा है, इन सब का नियंता है, अंतर्यामी है वो ब्रह्मा ईश्वर। क्यों? वो समष्टि उपाधि वाला है, वह जिसके अनुग्रह से उस दिव्य रूप को दर्शन किए थे उस परमात्मा के बारे में बताइए। ये न पुरुष कृपया या अनुग्रहेण ददृशे यद अनुग्रहात् ददृशे येन च अनुगृह्णता तस्य रूपं ददृशे दृष्टवान् तद्रूपम् न तस्य रूपं दृष्टवान्। कहा नाभि पद्म सुबुद्भवः, जो नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है वह अजह का विशेषण है। नाभि पद्म सुबुद्भवः, इसलिए अजह सब ब्रह्म नहीं लेना, हमें ब्रह्मा को ले रहा हूं इसीलिए। क्यों? नाभि पद्म नाभि कमल से जब पैदा हुआ ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी कैसे भूतात्मा है, समष्टि का होने के कारण से समस्त वेष्टि भूतों का नियंता है, ऐसा जो वह भूतों को सृजन करने वाला वह ब्रह्मा जी जिसकी कृपा से जिसका अनुग्रह से जिस रूप से देखा था वो वर्णन आप कीजिए। सचापियत्र पुरुषो विश्वस्तिभवाप्य मुक्त्वा आत्मायां मायेश शेते सर्वगुहाशय। सचापि और यत्र शेते येन रूपेण अवतिष्ठते, वह किस रूप से अवस्थित रहता है, कहां पर वह पुरुष पुरुषः यत्र, वह पुरुष जिस रूप से जिसमें व्यवस्थित रहता है वो बताइए। कब कब? विश्व की स्थिति काल में, विश्व के उद्भव काल में, और विश्व का अत्यय काल में। विश्वोत्पत्ति श्लोक के कारण से परिस्थिति ले लिया, इन क्रम समझ लेना है। विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय काल में किस रूप से और कहां वह पुरुष बना रहता है बताइए। और मुक्ता चाप्त माया माया, और अपने आप तो माया को त्याग करके वह माया का ईश जो सर्वगुहाश है वह कहां रहता है, किस रूप से अवस्थित रहता है। क्षेत्र में सोता है अर्थ नहीं करना के न रूपेण अवतिष्ठ, कहीं ब्रह्म आत्मा कहीं सोएगा क्या, नहीं सो सकता। पुरुषा वैवर्लोका सपाला पूर्व कल्पिता लोकैर अमुष्या वैवा सपालैरिति शुश्रुमा,
और हमने ये भी सुना था पुरुषा वही वैरेवलोका, ये जो ब्रह्म है पुरुष है उसी के अवयव क्या है सब लोक है। दो बार आ चुका ना विराट का वर्णन, ब्रह्मनार संवाद में भी आया था, उससे पहले सूचने शौनक सुनाते वक्त भी आया था जिसमें शुक ने परीक्षित को सुनाया था संक्षेप में धारणा के प्रकरण में पहले ही अध्याय में। तो इसलिए कहते कि देखो हमने आप ही के मुख से पहले सुना था सताला लोकाहा पुरुषावय पूर्व कल्पिता पुरुषावय के रूप में ना सताल लोकों की पूर्व में कल्पना की गई थी और लोकैर अमुष्य अवयवाह सताल शुश्रम और इसी परमात्मा के अवय हो करके इन लोक और पालों के द्वारा भविष्य अवय हो गया ये भी हमने सुना था। लोकश्च अमुष्य अवयवाह देखो श्लोक पीछे का दे भी रहे पूर्व पूर्व कल्पिता मैंने ये अवयवीर लोकान कल्पयंती ऐसे आपने पहले कहा है। कहा इति अस्य अध्याय से चतुर्विंश श्लोक नहीं नहीं 2 5 36 नंबर दिया 2 5 36 का है और आगे वाला जो श्लोक लोकश्च अमुष्य अवयवाह पातालम एतस्य पाद मूलम इसका नंबर 2 1 26 में मैंने 2 1 में आया था फिर 2 5 दो बार आ चुका है अलग अलग संवादों में। इस प्रकार से पहले हमने सब सुनाया हुआ है आपने उनके बताया हुआ है इसलिए कहते हैं तन्मुखा श्रुतवंतो वयम् शुश्रुमम ने आप ही के मुख से सुना था एवं संधि विपर्याभ्याम पृष्ठ इस प्रकार संधि विपर्य से उसने पूछा है या वान कल्पो विकल्पो वा यथा कालो नमीयते भूत भव्य भवच्छब्द आयुर्मानंच यत्सतः। अब कहता है अज्ञात और भी बहुत सारे पदार्थ हैं ये काल भला है क्या चीज ये काल कहां से आ गया ये सृष्टि के पहले भी था बाद में भी रहेगा ये काल की नित्य वस्तु है यावान कल्पो विकल्पो वा कल्प मन महान काल और विकल्प मन अवान्तर काल और यथा कालो नमीयते और किस प्रकार से इस कालों का अनुमान किया जाता है और वर्तमान भूत भविष्य ये शब्द बोध्य काल का अनुमान शब्दे कालो कथम अनुमीयते समय हो जाए यथा अनुमीयते किस प्रकार अनुमान किया जाता है यस्य वाचक इति वा माने किसका ये वाचक होते भूत किसका वाचक वर्तमान किसका वाचक भविष्य किसका वाचक है क्योंकि जो भूत तो कभी वर्तमान होता नहीं लेकिन भविष्य तो वर्तमान हो जाता है जो वर्तमान हो भूत हो जाता है इसलिए पता ही नहीं चलता कौन वर्तमान है कहीं जो वर्तमान है वो कल भूत हो जाएगा और जिसका भविष्य कह रहे वो कभी न कभी वर्तमान हो जाने वाला है और जो वर्तमान वो भी कभी न कभी फिर भूत हो जाने वाला है इसलिए पता नहीं चलता कौन वर्तमान है कौन भविष्य है वास्तव में। तो इसीलिए इनको हमें सम्यक प्रकार से समझाओ आयुर्मानंच यत्सतः सतम ने स्थूल देहाभिमानी इस मनुष्य पितृ देव इत्यादियों का आयु का वर्णन कीजिए किसका आयु कितना हुआ करता है अर्थात किस किस लोक में किस किस जीव किस किस योनि का कितनी कितनी आयु होती है वो भी बताइएगा। कालस्यानुगति यातु लक्षित्य अन्वी बृहत्यपि यावत्य कर्म गतयो यादृशी द्विज सत्तम कालस्य अनुगति कहते हैं भाई काल की अनुगति कालस्य अनुगति मानी प्रवृत्ति काल की प्रवृत्ति कैसे हुई ये बताइए। या तो लक्षित्य अणवी बृहती अभी योग्य जो है इन जीवों में भी देखने को मिलता है अणवी और बृहती अभी वो जो ब्रह्मा जी है उनमें भी दिखाई दे रहा सभी में प्रवृत्त हो रहा काल अन्वी बृहत यपि यावत् कर्म गतयो यादृशी द्विज सप्तम हे द्विज सप्तम आप इसे कर्म के द्वारा प्राप्त जो स्थान है यावत् कर्म गत जितनी भी हो सब का वर्णन करो और किस किस प्रकार के इसे पंचम स्कंद पूरा भुवन कोश का पंचम स्कंद में वर्णन आएगा इसी का जवाब में यादृशी च यावत्या और यादृशी यादृश्य यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणामम् अभिप्सताम्
गुणारम्भ सत्व रज तमा तमसादी नाम परिणाम, उसके जो परिणाम का कथन कीजिए, गुणाराम परिणाम परिणाम मने देव त्रिकादि योनिया विभिन्न लोक स्वर्गादि लोक, यही तो गुणों का परिणाम है। इनको अभिप्सता गुणानाम परिणामम अभिप्सता, गुणों का जो परिणाम होता देव त्रिकादि योनि एवं देवादि लोक, इनको चाहता हुआ गुणी नाम जीवानाम इन जो योगों के द्वारा यस्मिन कर्म समवायो, किस परिणाम में किस कर्म का धारण करते, यस्मिन परिणामे अर्थात कौन सी लोक पाने के लिए कौन से गर्म कर्म को वो ग्रहण करते हैं, ये न उपगृहियते और केन च कर्म समुदाय न कथम करते न को अधिकारी, ये सब समझे ना, केन कथम है ना, केन कथम कर्म तीनों आ जाए, साध्य साधन इति कर्तव्य, तीनों संबंधी शब्दों को यहाँ संकेत कर दिया, ये न के द्वारा ये न और यस्मिन यथा ये न यथा के द्वारा दो ही कह दिया, लेकिन कहा अधिकारी ये भी ग्रहण कर लेना। यह भूत भूपाताल भूपाताल कक व्योम ग्रह नक्षत्र भूभृताम सरित समुद्र द्वीपानाम संभवश्चैत दोकसाम। और ये भी बताइए भू अर्थात उन आश्रम में उत्पन्न हुए जो प्राणियों के बारे में बताइए, किस लोक में कौन प्राणी उत्पन्न हुआ पहले, कौन कौन किस किस लोक में, किन्नर कहाँ हुए, किम पुरुष कहाँ हुए, गंधर्व कहाँ हुए, किस लोक में हुए, सब यहाँ पहला पैदा होकर भाग में भाग थोड़े गए हैं, सब लोग इकट्ठे पैदा हुए ना क्रमशः, या एक साथ मारा गया उत्पन्न हो उसके अंदर जीव भी पैदा हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि देखो हमें बताओ भूलोक में कैसे कैसे योनियां पैदा हुई, कौन कौन किस किस तरह के लोग पैदा हुए, पाताल में ककुप देश में और व्योम मैंने आकाश मैंने द्व्युलोक, ककुप मैंने अंतरिक्ष लोक, ककुप कहते दिशा को, दिशा का मतलब अंतरिक्ष लोक, यहाँ पर व्योम मैने द्व्युलोक, फिर उसके ऊपर ग्रह नक्षत्र भूभृता और इस धरती को धारण करने वाले लोग, सरित समुद्र द्वीप, इन सभी के अंदर होने वाले विभिन्न योनियों का वर्णन कीजिए, संभव एतदोकसाम इन लोकों के अंदर होने वाले इन सभी का जो है आप उत्पत्ति के बारे में वर्णन कीजिए, उसके साथ अन्वय करना सब जगह तत्त्वम अरसि उसके साथ जोड़ना प्रमाण मंडकोशस्य बाह्याभ्यंतर भेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रम विनिश्चयः। प्रमाण मंडकोशस्य ये जो ब्रह्मांड रूपी कोश है इसका प्रमाण बताइए कितना लंबा चौड़ा है, बाह्याभ्यंतर भेदतः बाह्य प्रमाण कितना है आंतर प्रमाण कितना है, दोनों ही प्रमाणों के बारे में वर्णन कर देना। महतांचान चरितम और जो महान पुरुष लोग है भगवान के परम भक्त लोग उनके द्वारा अनुचरित वर्णाश्रम विनिश्चय अर्थात ब्राह्मण क्षेत्र वैश्यादि श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा वर्ण आश्रम के अंदर विनिश्चित जो किया गया धर्म है जो उन लोगों ने द्वारा आचरण किया हुआ उस धर्म का वर्णन कीजिए, वर्ण आश्रम धर्म का वर्णन करें। अवतारानुचरितम यदाश्चर्यतम हरे युगान युगमानंच धर्मो यश्च युगे युगे। अवतारानुचरितम यद आश्चर्यतम हरे, हरि का आश्चर्यतम जो अवतारम के द्वारा अनुचरित है उन लीलाओं का वर्णन आप कीजिएगा। और युगान युगमानंच धर्मो यश्च युगे युगे, और युगे युगे मेरे प्रतियुग में जो जो अलग अलग धर्म हुआ करते हैं उन सारे धर्मों का वर्णन कीजिए। और यच्चा हरे अवतारानुचरितम तच्च युगों को युगमान बीतता हुआ इन युगों के बीतते हुए वक्त प्रत्येक युग में कौन सा धर्म का अनुष्ठान करना है और प्रत्येक युग में युगे युगे उसको भी जोड़ूंगा हरे अनुचरितम को भी वर्णन कीजिए। नृणां साधारणो धर्म सविशेषश्च यादृशः श्रेणीनां राजऋषीनां च धर्मकृच्छ्रेषु जीवतां। सब प्रकार का धर्म वर्णन पूजो कर दिया। मनुष्यों के सामान्य धर्म क्या है, मनुष्य मात्र का वर्णाश्रम भूल जाओ, मनुष्य सामान्य का धर्म क्या होगा वो जिसको मानव मूल्य कहा जाए, धर्म निरपेक्ष मानव मूल्य
वो बताओ, फिर सविशेष अधर्म सापेक्ष वो धर्म भी बता दो जो उनके वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, अवस्थाओं के अनुसार होता है। श्री नाम यादृश, यादृश सविशेष उसके साथ जिस प्रकार का विशेष धर्म है वो भी वर्णन कीजिए। और श्रेणी नाम तद्य व्यवसाय जीविना, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले, सोनार को सोना चोरी करना ही है लेकिन कितनी चोरी करनी चाहिए है? कितना चोरी करना धर्म है उसके लिए है? को झूठ भी बोलना धर्म है। आज भी सुबह गीता में आया था, परिषद में उपनिषद में आया, झूठा भी बोलना भी झूठ है और उसके लिए जी नहीं सकता बिना झूठ बोले, बिना छल कपट किए। गृहस्थ जैसा ऐसा करके आया था ना उपनिषद में, तो इसलिए। लेकिन वो कितना ये नहीं कि पूरा लाइसेंस मिल गया उसको मनमाने करने लग जाए, नहीं, उसका भी सीमाकरण कर दिया, व्यवस्था कर दी, वो पता है। श्रेणियां और राज ऋषिनांच प्रजा पालन अधिकारी नाम, राजर्षि करने से प्रजा पालन करने वाले सभी लोग, छेशो मैंने आपत धर्म क्या है वो भी बताए। आपत्सु कृच्छ्रेषु जीवतां धर्मः तत्पारं परिसंख्यानं लक्षणं हेतु लक्षणं पुरुषाराधन विधिर्योग स्याध्यात्मिकस्य च तत्पारं परिसंख्यानं, सभी के द्वारा कथित विभिन्न प्रकार के तत्वों का, प्रकृति आदि जो तत्व है, कोई 25 कोई 26 कोई 20 कोई 10 कोई 7 कोई 16 कोई 1, चाहे कौन कितना कह रहा है, उन्हीं को भी विभिन्न प्रसंगों में विभिन्न प्रकार से उन तत्वों का आप सम्यक प्रकार हमें जो है बोध कराइए। लक्षण उनका लक्षण भी बताइए हमको, और हेतुतः लक्षण, लक्षण मैंने बोला स्वरूप, तब तो स्वरूप हो गया, फिर उसको युक्ति से भी उसके स्वरूप को सिद्ध करना है। इसे लक्षण प्रमाण अभ्याम वस्तु सिद्धि है ना, पहला वाला लक्षण हो गया, दूसरा हेतु लक्षण ने उसका प्रमाण, प्रमाण भी दो। पुरुष आराधन विधि और भगवान के आराधन करने की जो विधियां है, देव पूजा करने की विधियां, व्रत अनुष्ठान करने की जो विधियां है, विभिन्न प्रकार के व्रत उनकी विधियों का वर्णन करें आप। और आध्यात्मिक जो योग है, जो अष्टांग योग है, राजयोग है, क्रिया योग है, कुंडली योग है, नाद योग है, विभिन्न प्रकार के जो योग है, इन आध्यात्मिक योगों का भी आप वर्णन करें। सब कौन चीज छोड़ रहा है अब बताइए, और कहते भागवत में कोई चीज की कमी रह गई, क्या कमी रह गई, किसी चीज को छोड़ा नहीं परीक्षित ने, सब कुछ पूछ डाला है। योगेश्वर ऐश्वर्य गतिर्लिंग भंगस्तु योगिनाम वेदोपवेद धर्माणाम इतिहास पुराण यो, इतना ही नहीं, ये योगेश्वर लोग अपने शरीर को कैसे छोड़ते हैं वो विधि भी बता देना, ताकि उसी विधि में भी शरीर छोड़ू इसी बहाने इसको मालूम हो जाएगा किस तरह से शरीर छोड़ने से मुक्ति मिलेगी। इसे कहते हैं योगेश्वर ऐश्वर्य गतिर, योगेश्वरों के द्वारा प्राप्त अनिमादि ऐश्वर्यों की जो गति कहाँ तक है वो भी बताइए, और उन योगियों के द्वारा लिंग भंगस्तु, लिंग भंग माने लिंग शरीर का, लिंग शरीर को भंग करके मुक्ति कैसे पा लेते हैं वो, क्योंकि यावत लिंग शरीर है तावत पर्यंत पुनर्जन्म की स्थिति है, इसलिए लिंग शरीर को ही भंग कर देते हैं वो, ताकि पुनर्जन्म होवे ही नहीं, वो प्रक्रिया बताइए आप, उसकी भी विधि बता दीजिए। इतना ही नहीं, वेद को बताओ, उपवेदों का वर्णन कीजिए, वेद उपवेद धर्माणा, वेद और उपवेद में कथित सकल धर्मों का वर्णन करें आप, इतिहास पुराण योश्च, इतिहास और पुराण में कथित धर्मों का भी वर्णन करें। संप्रव सर्वभूताना विक्रम प्रसंग्रम इष्टापूर्त काम्याना त्रिवग सुचयो विधि, सर्वभूताना संप्रह मन उत्पत्ति, सर्वभूताना विक्रम स्थिति, सर्वभूताना प्रतिसंग्रम प्रलय, और स्थिति काल में इन भूतों के द्वारा किए जाने वाले, इन काम्य भूतों के, काम्यानाम पुरुषाणाम, काम्य भूतों के द्वारा किए जाने वाले इष्ट पूर्त दत्त आध्यात्मिक कर्म, जो त्रिवर्गों के द्वारा, त्रिवर्ग में ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य और जो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ, इन त्रिवर्गों के द्वारा किए, त्रिवर्गस्य काम्यानाम वो भी लेना, त्रिवर्गांतर्भूत जो काम्य पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले इष्ट पूर्त आदि कर्मों का जो विधि है वह भी बताइए। यश्चानुशायिनां सर्गः पाखंडस्य च संभवः आत्मनो बंध मोक्षो च
వ్యవస్థానం స్వరూపత ఇత్రాయిని యశ్చ అనుషాయినాం సర్గ అనుషాయినాం లీనోపాధినాం జీవానాం దీనికి ఉపాధ్యా లీన్ రహ కర్తీ హే కవి ఉథల్ పుథల్ హువా నహీ కర్తా అర్థ సమాధి నిష్టానాం ధ్యాన నిష్టానాం ఐసే జో పురుష లోగ హై ఉన్ లోగోం కీ జో చరిత్ర హై ఉన్ లోగోం కే బారే మే జో సృష్టి హై వో భీ ఆప్ బతాయియే ఆర్ పాఖండ్ కీ సంభావన హీ బతా దేనా క్యూంకి యే భీ జానా జరూరీ హై కీ పతా నహీ కర్తే కర్తే కే హమ్ పాఖండ్ మే ఫస్ తో నహీ జా రహే భయ జా రహీ పానీ మే బడా ఆనంద ఆతా హై ఆతే తో ఐసా ఫస్ జాతా హై పానీ మే ఫిర్ నికల్నా ముష్కిల్ హో జాతా హై ఇదర కహావత్ హై నా భయన్స్ గయీ పానీ మే పూరీ గయీ లౌటేగీ నహీ వో वो कहानी ना हो जाए इसलिए पाखंड का भी स्वरूप का ज्ञान होना जरूरी है कहीं अपने अंदर घुस तो नहीं रहा है पाखंड इसकी जानकारी होने के लिए बहुत जरूरी है इसलिए उसका भी संभव उस पद उत्पत्ति स्वरूप उत्पत्ति के बारे में बताइएगा आत्मनो बंध मोक्ष उच्छ इस जीवात्मा का बंध कैसे हुआ था मुक्ति कैसे होगी व्यवस्थान स्वरूप और व्यवस्थान मैंने बंध मोक्ष अतिरिक्त स्वरूप में जो अवस्थिति होती है वो कैसे होता है वो भी